पटना सिटी स्थित माल सलामी थाना के मारूफगंज मंडी में दिन दहाड़े बैंक में रुपया जमा करने जा रहे दाल व्यवसाय से 15 लाख रुपए की लूट और विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मारकर घायल करने के मामले पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पटना सिटी के मसूरगंज स्थित पीड़ित व्यवसायी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवसाय को हर संभव सुरक्षा दिलाने के लिए आंदोलन करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सह बिहार के पथ निर्माण मंत्री पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो मस्त आइटम है, 15 सालों से मस्त है, पहले साइकिल पर चलते थे, अभी हुए अरबपति खरबपति बन चुके हैं, जबकि मेरे पास 900 बीघा जमीन था, अब 100 बीघा बचा है। जाप सुप्रीमो ने आगामी विधानसभा चुनाव को कोरोना को लेकर स्थगित करने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कल इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एएसपी आए, बात खत्म हो गई, कौन सुनने को तैयार है भाई? किस एमएलए एमपी को मतलब है? जब कोरोना वायरस में एक भी एमपी एमएलए 5 महीना में नहीं निकला गरीब के लिए और कॉमन आदमी के लिए, हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक तो डब्बा पानी नहीं दिया, उससे आप उम्मीद क्या करिएगा जनाब? और कोरोना वायरस के बाद पर्चा बांटने लगे, और आज पटना की स्थिति जो है ना, नीतीश कुमार पहले ही 15 साल में मार चुका, ये जांच बंद कर दिया नीतीश ने, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश सरकार को चुनाव कराना चाह रही है सर, वो आदमी को मार के ही तो चुनाव कराना चाह रही है, उसको लग रहा है कि चुनाव नहीं होगा तो हम, अरे यार पहले बिहार की जनता को तो बचा लो, चुनाव भाड़ में जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 15 साल से जनता को मारते आ रहे हैं, अब चुनाव करवाकर कोरोना से जनता को मारने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, पटना।